जब इंस्ट्रक्टर क्लास क्रिएट करता है तो क्लास क्रिएशन के लिए सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ऐड क्लास ऑप्शन में जाके यहाँ से स्टैंडर्ड या मास्टर क्लास क्रिएट की जाती है। स्टैंडर्ड क्लास बाय डिफ़ॉल्ट जो अवेलेबल होती है, एक सब्जेक्ट जब कोई असाइन होता है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और मास्टर क्लास अगर एक सब्जेक्ट मल्टीपल बैचेस या मल्टीपल सेक्शन को पढ़ाना हो उस केस में क्रिएट की जाती है। तो क्लास नेम और क्लास इनरोलमेंट की ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इनरोलमेंट की उस कंडीशन में रिक्वायर्ड होती है जब स्टूडेंट लेट सबमिशन मेथड यूज़ किया जाए। अगर इंस्ट्रक्टर लेट सबमिशन मेथड जिसमें इंस्ट्रक्टर खुद अपलोड करता है वो मेथड यूज़ किया जाए तो उसमें इस की वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट क्लास क्रिएट करने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो क्लास क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ उसकी जो है क्लास आईडी और उसका इनरोलमेंट की वो शो करेगा। तो ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरेक्शन अगर स्टूडेंट लेट सबमिशन मेथड यूज़ करना है तो स्टूडेंट्स को आप ये क्लास आईडी और ये इनरोलमेंट की बताएंगे जिससे वो अपना अकाउंट टर्निटिन.com पे जाके क्रिएट कर लेंगे।